हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ढोकले की ग्रीन और रेड चटनी, जो कि मार्केट में हमें मिलता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये तो कितने लोगों को पता नहीं होता है कि ढोकले की चटनी बनती कैसे है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान तरीका लाई हूँ, सिर्फ 2 मिनट में आपकी दोनों चटनी बनके तैयार हो जाएगी। तो पहले हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने धनिया की पत्ती ले लिया है, हरी मिर्च ले लिया है और अदरक के टुकड़े ले लिए हैं, लहसुन की कलियां ले ली हैं और आधा नींबू ले लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, जार में डाल देंगे। आप धनिया के साथ साथ पुदीने की पत्ती भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास हो तो उसको ज़रूर डाल दें। मुझे मिला नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो उससे स्वाद और बढ़ जाएगा। तो सब चीज़ें डाल के हम नींबू का रस डाल देंगे इसी में, और इसमें टमाटर या आमचूर कुछ भी नहीं पड़ता है। अब देखिए, आधा चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, आधा चम्मच चीनी डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे और थोड़ी सी पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पहले बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मोटा है अभी मेरी चटनी, तो अभी हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे जिससे हमारी चटनी का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। और ये सीक्रेट तरीका हलवाई या कहीं हम लोग खरीद के खाते हैं ढोकला, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो इस चटनी में अब मैं ढोकला डाल दूँगी और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो आप भी जब भी बनाएं तो ये ज़रूर डालें। तो देखिए अब मेरी चटनी रेडी हो गई है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, खाना जैसे नॉर्मली खाते हैं ना, उसके साथ भी ये चटनी बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं रेड चटनी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 लाल मिर्च ले ली है, 2 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 इंच अदरक के टुकड़े ले लिए हैं और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और थोड़ी सी नींबू। उसके बाद हम थोड़ा सा चीनी डाल देंगे और नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे। इतना डालने के बाद हम इसमें 2 टुकड़े ढोकले के डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो अब देखिए मेरी रेड चटनी भी रेडी हो गई है और कितना अच्छा कलर आया है और खाने में दोनों ही ज़बरदस्त लगेंगी। आप इस चटनी को 4 से 5 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हैं, चाहे डोसा इडली बना रहे हो उसके साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए मेरा 2 मिनट में चटनी बनके तैयार हो गया है, और एक बार आप ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे कम सामान में मेरी चटनी बनी है, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आप भी बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।